हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं ठंडाई। ठंडाई गर्मियों के दिनों में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और आप इसे अगर रोज़ पियेंगे तो लू से बचे रहेंगे। घर पर बनी हुई ठंडाई आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगी। तो चलिए हम ठंडाई बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ले रहे हैं खसखस 40 ग्राम और इसे पानी में अच्छी तरह से भिगो देंगे। बादाम 10 से 12, इनको भी हम पानी में भिगो देंगे। तरबूज के बीज 2 टेबलस्पून्स, इन्हें भी हम पानी में भिगो देंगे। और सौंफ 2 टेबलस्पून्स, इसे भी हमने पानी में भिगो दिया है। इन्हें हमें 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगो कर रखना है। अब 4 घंटे के बाद हम खसखस में से पानी छान लेंगे। इसी तरह से तरबूज के बीज में से भी हम पानी छान लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि सौंफ का पानी हमें नहीं निकालना है। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे और उसमें एक खसखस डाल देंगे। फिर डाल देंगे तरबूज के बीज, बादाम छील कर डाल देंगे। फिर हम डालेंगे इलायची 7 से 8, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, चीनी 50 ग्राम, सौंफ, अब हम इन्हें मिक्सर में पीस लेंगे। हमने इसे अच्छे से पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम एक बर्तन में छलनी रखेंगे और इस पेस्ट को इसमें डाल देंगे। और ऊपर से हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी। और हम इसे धीरे धीरे करते हुए छानते जाएंगे। अब हम छलनी के नीचे वाली साइड से इसे अच्छे से दबाते जाएंगे ताकि जो भी पानी है वो हमारे बर्तन में आ जाए। अब फिर से हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। हमने यहाँ पर पानी टोटल 2 ग्लास लिया है। अगर आपको ठंडाई और पतली करनी है तो आप और पानी डाल सकते हैं। और फिर से इस छलनी को नीचे से दबाकर हम इसमें से पानी निकाल लेंगे। जैसे हमने नीचे से पानी निकाला था वैसे ही हम इस खसखस को ऊपर से दबाकर भी पानी निकाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दूध 1 कप और इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी ठंडाई बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से किसी भी बादाम और पिस्ता डाल सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र।